So in this video, we will be focusing on law of equi-marginal utility. This is the third video on marginal utility. Fourth video on marginal utility. In the first video, we discussed regarding assumptions of marginal utility analysis. In the second video, we discussed regarding the concept of total utility and marginal utility. In the third video, we discussed law of diminishing marginal utility, that is Gaussian's first law. And in this video, we will discuss law of equi-marginal utility, which is also termed as the Gaussian's second law. Gaussian is the economist who derived this law. Therefore, it is termed as Gaussian's second law. And it is also termed as law of substitution and law of maximum satisfaction. Why is it termed as law of substitution or law of maximum satisfaction? Because ye law hame explain karta hai ki consumers apne equilibrium ko kaise achieve karte hain, apni income ko wo kaise allocate karte hain given the prices of the goods. To consumers jab apni limited income ko prices of the goods ke according allocate karenge apna pura consumption bundle form karne ke liye, to unko maximum satisfaction derive hogi. इसीलिए इस लॉ को हम लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन भी बोलते हैं और इसको लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है क्योंकि सपोज हमें लगता है कि हमें एक एक्स्ट्रा यूनिट ऑफ एप्पल से इतना सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा जितना एक ऑरेंज से मिलेगा तो हम फ्रूट्स का सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं कि हम एप्पल की जगह ऑरेंज कंज्यूम कर लेंगे तो इसको हम लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं आई होप नाउ इट इज क्लियर law of substitution or law of maximum satisfaction क्यों बोला जाता है? Exam में आपके MCQs आ सकते हैं. Which of the following is also termed as the law of maximum satisfaction? आपको options आ जाएंगे. Law of demand, law of diminishing marginal utility, law of equi-marginal utility. Then you will have to choose law of equi-marginal utility. By definition, this law explains the principle of consumer's equilibrium. That is how the consumer allocates his income to various goods given the prices of the goods. Example ke saath explain karte hain. Suppose do goods hum logo ko hamara pura consumption bundle mein sirf hame do goods consume karne hain. Say A and B. And in aur consumer kaise derive karenge ki hame kaun se good consume karne hain? Jo marginal utility hum derive karte hain goods ki consumption se. और जो हमको प्राइस गिवन होता है उसी के बेसिस पे हम एलोकेट करेंगे अपनी इनकम सपोज प्राइस हमारा ए और बी का कांस्टेंट है गिवन है सो नाउ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ इक्विमार्जिनल यूटिलिटी वेयर द प्रोपोर्शन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड टू इट्स प्राइस इज इक्वल दैट इज द कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज मनी इनकम बिटवीन द गुड्स इन सच अ मैनर दैट द यूटिलिटी डिराइव्ड फ्रॉम द लास्ट रूपी स्पेंट ऑन ईच गुड इज इक्वल ठीक है मतलब हम लोगों का जो प्रपोर्शन है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड ए डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड बी शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड सॉरी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड ए डिवाइडेड बाय मार्जिनल बाय प्राइस ऑफ गुड ए शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी सो इस तरीके से जब हम इक्वेट करते हैं हमारी जो यूटिलिटी जो सेटिस्फेक्शन डिराइव होता है जब हम हर गुड पे जो लास्ट रुपी स्पेंड करेंगे वो इक्वल होएगा तब हम बोलेंगे कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम पे है सो दिस रिप्रेजेंट्स द कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन रिस्पेक्ट ऑफ द परचेज ऑफ द टू गुड्स और ये जो हमारी इक्वालिटी है ये सिर्फ एक पॉइंट पे नहीं होती है ये हमारे बहुत सारे डिफरेंट लेवल्स ऑफ एक्सपेंडिचर पे हो सकती है जब हमारा 100 रुपीस होगा तब भी ये इक्वालिटी एग्जिस्ट कर सकती है तब ये लो लेवल पे एग्जिस्ट करेगी तब जब हमारा 1000 रुपीस इनकम होगी तब ये थोड़े हाई लेवल पे एग्जिस्ट करेगी तो ये इक्वालिटी किसी एक पॉइंट पे नहीं हो सकती ये इक्विलिब्रियम मल्टीपल पॉइंट्स पे हम कर सकते हैं अब जो इक्वेशन हमने स्टडी की वो कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की इक्वेशन है जहाँ पे कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है बट कभी ना कभी तो हमारा डेविएशन भी होएगा ना सपोज दैट द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बी इसका मतलब अभी हमारा करंट टाइम पीरियड में ए की मार्जिनल यूटिलिटी ज्यादा चल रही है हमें ए को कंज्यूम करने से ज्यादा यूटिलिटी डिराइव हो रही है तो हम क्या करेंगे ए को सब्स्टिट्यूट करने लग जाएंगे बी की जगह पे ए को सब्स्टिट्यूट करने लग जाएंगे क्योंकि हमारी इनकम तो लिमिटेड है ना सपोज अभी हम करंटली कंज्यूम कर रहे हैं 10 यूनिट्स ऑफ ए एंड से 20 यूनिट्स ऑफ बी और मार्जिनल यूटिलिटी ए की ज्यादा है एज पर द गिवन कंडीशन
तो हम क्या करेंगे, ए को ज्यादा कंज्यूम करेंगे, बी को कम कंज्यूम करेंगे. सो वी विल सब्स्टिट्यूट टू 12 यूनिट्स ऑफ ए एंड 18 यूनिट्स ऑफ बी. सपोज सब कुछ सेम है हमारा, उस केस में दो 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 यूनिट का इंक्रीज हुआ तो दो यूनिट का रिडक्शन हुआ. अब क्या होगा, एक यूनिट की जिसकी हमने कंजम्पशन ज्यादा की है, ए यूनिट की, ए कमोडिटी की, तो इसका मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन हो जाएगा. और जिसकी हमने कंजम्पशन कम कर दी है बी कमोडिटी की, उसका मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज हो जाएगा. तो ये चीज हमारी कंटिन्यू होती रहेगी जब तक हम इस इक्वेशन इक्वेटेड पॉइंट पे नहीं पहुंच जाते. ओके, सेकेंड केस ऑफ दिस इक्विलिब्रियम इज जब हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय मार्जिनल बाय द प्राइस ऑफ बी इज ग्रेटर देन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ ए. इसमें उल्टा हो जाएगा. नाउ वी विल स्टार्ट सब्स्टिट्यूटिंग बी. हम बी की कंजम्पशन इंक्रीज करेंगे, ए की कंजम्पशन रिड्यूस करेंगे, जिससे कि हमारा मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी रिड्यूस हो रहा है एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए, सॉरी ये गलत यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए विल इंक्रीज. ओके, एंड दिस विल कंटिन्यू टिल वी कम बैक टू दिस इक्विलिब्रियम लेवल. राइट, सो वी कैन से दैट दिस इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इट कैन बी स्टेटेड इन डिफरेंट वेज. एक तो ये जो हमने पढ़ा एन कमोडिटीज के लिए ये वैलिड होगा. MU of A divided by B of A should be equal to MU of B divided by BB should be equal to for all the N commodities that we are consuming. इसको हम ये भी बोलते हैं अगर हम formal terms में बात करें that a consumer is in equilibrium when he equalizes weighted MU. Weighted यहाँ पे weight क्या लगाया है हमने सबका, individual prices, मतलब 1/PA हमारा weighted मार्जिनल यूटिलिटी है, 1/PB वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी बी की, 1/PN वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी है कमोडिटी एन की. सो वी से दैट अ कंज्यूमर इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन ही इक्वलाइजेस दिस वेटेड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑल गुड्स, दैट इज व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ऑल गुड्स व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ईच गुड वेटेड बाय इट्स प्राइस इज इक्वल. मतलब लास्ट रुपीज स्पेंट ऑन ईच गुड, the utility derived by spending the last rupee on each good should be equal. Then we say that marginal utility of A divided by marginal utility of B should be equal to BA/BB. Marginal utility of B divided by marginal utility of C should be equal to PB/PC. That is, a consumer is in equilibrium when he equalizes the ratios of marginal utility of goods to the ratios of the prices. Again, this will also mean that yes, we are, the consumer is in equilibrium. And lastly, this thing denotes MU by A divided by MU by divided by PA measures the marginal utility of a rupee's worth of each good consumed at the given price level. जो हम ऊपर लिखते आ रहे हैं ना, MU of A divided by PA, MU of B divided by PB, इसका मतलब क्या है, कितना मार्जिनल यूटिलिटी हम डिराइव कर पा रहे हैं उस गुड की by purchasing that good, क्योंकि हमने weighted marginal utility लिए है goods के. So consumer is said to be in equilibrium when the marginal utility of a rupee spent on each good purchased is equal, and marginal utility of rupee spent on each good means that the marginal utility of rupees worth of that good. So this is law of equi-marginal utility, which is also termed as Poisson's second law. यहाँ से हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस डिराइव होते हैं, दो तीन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिए थे बीच में. ये हमारी इक्वेशंस भी गिवन हो सकती है. फॉर एग्जांपल ये जो हमारा फर्स्ट केस है, ये भी आ सकता है, इन दिस केस व्हाट विल द कंज्यूमर डू इन ऑर्डर टू मूव टुवर्ड्स हिज इक्विलिब्रियम. सो ही विल सब्स्टिट्यूट ए फॉर बी इफ हिज एमयू ए डिवाइडेड बाय पीए इज ग्रेटर देन एमयू बी डिवाइडेड बाय पीबी. So such types of MCQs will occur. Therefore, it is very important to understand the concepts properly rather than mugging them up. Okay, if you have any problem in the concepts in any place that we have discussed here, please ask me in the comments. All the best. Take care.